इंडिया बुल हाउस फिनेंस का फिर से हम लोग ट्रेड थ्री लेते हैं। सोच लीजिए 177.55 में बाई किया हूँ और 182.60 में सेल किया हूँ, तो इधर ट्रेड थ्री बाई मैंने पास करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये ब्रेक हो जा रहा है आप इधर देखिए 182.77.50 में बाई किया और 182.50 में सेल किया। पीएल का सेकंड ट्रेड भी अभी तक देखता है, इधर 9 पॉइंट इधर ऊपर उठा, इसको सेल किया है, इधर 1333 में बाई किया था, उसको ये 5 पॉइंट उठा है, तो इधर इससे लॉस में चल रहा है। इसका सेकंड ट्रेड भी इससे लॉस में जा रहा है। पीएल का चार्ट आप लोग देख सकते हैं, इधर ये साइडवाइज मूवमेंट चल रहा है, ठीक से प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। और इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस का थर्ड ट्रेड जो है वो भी साइडवाइज मूवमेंट हो रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट वो भी एक साथ दोनों चल रहा है। तो तब तक लेकिन अभी पॉज करता हूँ, उसके बाद जो भी प्रॉफिट में या लॉस में आएगा तो मैंने फिर से रिज्यूम करूँगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए इधर इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस में ये 174.173.95 और 178.40 चल रहा है, तो मैंने इसको सेल किया था इधर, मतलब 177.50 3 पॉइंट और इधर 4 पॉइंट, मतलब इधर 3 पॉइंट लॉस और इधर 4 पॉइंट प्रॉफिट, तो इधर फिर से मेरे को 1 पॉइंट प्रॉफिट आया है। पहल को देखता है क्या हो रहा है, तब तक के लिए मैंने फिर से पॉज करता हूँ। इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस को फिर से हम लोग और भी एक ट्रेड लेता है, या सोच लीजिए इधर 173 चल रहा है, इधर 177 चल रहा है, तो आप लोग भी नोट कीजिए 173 और 177। तो मैंने पॉज करता हूँ, नहीं तो ख़त्म हो। देखिए इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस अभी 174.90 अक्टूबर फ्यूचर चल रहा है और इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस कैश चल रहा है 178.9575। तो इसमें मैंने अक्टूबर फ्यूचर का वाई किया था 172 में, इसमें 2 पॉइंट प्रॉफिट है और इधर 1 पॉइंट इसको सेल किया था, ये 1 पॉइंट उठ रहा है, तो इसको इसमें लॉस है। तो हम अपने आप लोग देख सकते हैं इसमें फिर से प्रॉफिट हुआ है 800। पीएल को आप लोग नोट कर सकते हैं, देखिए पीएल का कैश अभी 1343 चल 44 चल रहा है और ये अक्टूबर फ्यूचर 1302 चल रहा है।